गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं अपने इस प्यारे से व्लॉग में आपको अंधेरी से लेके वर्सोवा तक जितने भी मुंबई के बड़े बड़े गणेश विसर्जन के पांडाल है, उन सभी का मैं आपको दर्शन कराऊंगा और मैं आपको जहाँ पे विसर्जन करते हैं वहाँ तक भी लेके जाऊँगा और कैसे विसर्जन किया जाता है वो सब भी मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मेरे इस व्लॉग में एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। जू में यहाँ पे एक स्टेज बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का, जितने भी गणपति भगवान की मूर्तियाँ विसर्जन के लिए आ रही है उन सभी का जोर से स्वागत किया जाता है और कहा जाता है कि आप अगले बरस जल्दी आइए, हम आपको विदा नहीं करना चाहते हैं। तो ये सब यहाँ पे चल रहा है, आप देख सकते हैं इसको। फ्रेंड्स, ये मैं जो आपको सीन दिखाने जा रहा हूँ, ये वर्सोवा बीच की ओर जा रहा है। ये एक लास्ट पॉइंट है, यहाँ से विसर्जन के लिए आपको गणेश भगवान जी को ले जाया जाएगा। वहाँ पे उनका पूजा के साथ उनकी पूजा होगी, फिर उनको विसर्जन के लिए लेके जाएगा। एक ही जगह पे विसर्जन से भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है मुंबई में, इसीलिए विसर्जन के लिए काफ़ी जगहों पे विसर्जन का प्रोग्राम किया गया है। एक आप वर्सोवा जेटी पे देख सकते हैं और आप आगे आएंगे वर्सोवा बीच है, तो बीच में वर्सोवा बीच और वर्सोवा जेटी के बीच में भी एक जगह बनाई गई है, वहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण के विसर्जन किया जा रहा है। देख सकते हैं कि ये लेके जा रहे हैं वर्सोवा जट्टी की ओर विसर्जन के लिए। यहाँ पे भी एक स्टेज बनाया गया है वर्सोवा मेट्रो स्टेशन पे, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के खास आमदार भारती ताई वेलकर उनका स्वागत कर रही हैं सभी का। फ्रेंड्स, मैंने इस व्लॉग में काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी भागदौड़ की है मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे इस मेहनत का परिणाम मुझे मिलना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।